हेलो। हाँ बुआ जी, प्रणाम। का करे बुआ जी, बरसात का मौसम घुस गया लेकिन बारिशों का कुछ नामो निशान नहीं है। झूठों का मैसेज देते रहते कि आपके क्षेत्र में फलनुआ तो ढिमकनुआ, कुछ होता तो नहीं है। इधर बारिश ना होने के वजह से जमीन पूरा सूखा पड़ जा रहा है और पानियों का बहुत दिक्कत आ रहा है। पता नहीं हम लोग का क्या होगा। बारिश होने लगा। ये बुआ जी, मेरा मुंह का बात कैसे लगता है, तुरंत बारिश होने लगा। बोलिए। ठीक है बुआ जी, रखते हैं, प्रणाम। अजी सुनते हैं। काहे जी इतना शोर मचा रही हो? देखिए ना गुनगुन के पापा, मेरे कहने पे बारिशों होने लगा। अरे पगलाओ पगला गई हो का? और नहीं तो कुछ तुम्हारे कहने पे बारिश होगा? छोड़िए, आपको तो कुछ बोलना बेकार है। ताने का सोचते हैं। मम्मी जोरों से बारिश हो रही है, हम सोच रहे बारिश में भीग जाए, कितना मजा आएगा। नहीं, एकदम नहीं, ये बरसात का पहला बारिश है, इसमें आदमी भीगने से बीमार पड़ जाता है, बुझी ना? पर मम्मी, एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आता है तुमको? सुनिए ना, अब क्या हुआ? आपको गर्मी में घमोरी हो गया था ना, जाके बारिश में भीग जाइए, सारा घमोरी दूर हो जाएगा। मतलब कि तुमको मेरा सुकून शांति देखा नहीं जाता? यहाँ हम आराम से बैठे हैं, तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है। बेकार है कुछ आपको बोलते हैं, मेरा बात आपको कड़वे लगता है। पता नहीं काम वाली चुड़ैल कहाँ रह गई, दोपहर के 11 बज गए हैं और अभी तक नहीं आई, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है। अरे तुम भी थोड़ा काम कर लिया करो, ऐसे बैठे रहना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज आने दो उसको, तब बताती हूँ। सोच लो, काम करने वाली मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसका मतलब का, जब चाहे तब मनमानी करेगी, तब घर का काम खत्म करके तब मेरे घर में आएगी महारानी काम करने। क्या हुआ भाभी? अरे जूली आओ ना, कुछ बोल रही थी क्या हमको? ओ तुम्हारे भैया से मैं कुछ जरूरी बात कर रही थी। आओ तुम आओ। अभी पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर बर्तन धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं अभी तो आई हो, बैठो थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद काम तो होते ही रहेगा। चलो, पता है कल मैंने डिंकी बनाया था तुम्हारे लिए, चलो उसको देती हूँ। समझे में नहीं आ रहा सरितुआ के बर्थडे में का पहन के जाए, इसमें सोचना का है? फ्रॉक पहनो और चल जाओ। बै मम्मी, तुम तो खाली हमको फ्रॉके पहनाने के चक्कर में रहती हो। अब बस, अब फेंक दो उसको। फेंके इनका है, पुराना पोछना होटल है ना, तो ये नया पोछना बना लेंगे। मम्मी मसाला सब तो बहुत पुराना लग रहा है, एक्सपायर वाला मसाला खिला रही हो का? फेंक देते इसको। फेंके इनका है, मसाला कभी एक्सपायर होता है? सब कंपनी अपना मसाला बार बार बेचने के लिए खाली लिख देता है, कहने को तो ये मसाला 2017 में एक्सपायर कर गया। पर खाना में तुमको कुछ पता चला नहीं ना? टेस्ट में कुछ पता चला नहीं ना? तो ज्यादा लबड़ लबड़ मत करो, रखो चुपचाप से। मम्मी मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ही सुंदर साड़ी का पिलकुंची कर रहा है, फेंके कहे नहीं अभी तक इसको? फेंके इनका है, साड़ी अगर वापस करना हो तो दिखाना पड़ता इसको, लेकिन ये बिल 1990 का है। हाँ तो और अच्छी बात है, निशानी रह जाता है। लाओ। सुन रहे हैं जी, इसको जरा लेमिनेट करवा दीजिए। हेलो। हाँ बुआ जी, प्रणाम। का सच्चे मीना की शादी तय हो गया है ना?
हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? नहीं नहीं वो भी कोनो बोले के बात है। नहीं नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, पर इतना गर्मी में काहे रखती है शादी रनुदी? हम लोग सब तो छुसइए जाएंगे, अब गर्मी हो चाहे बरसात हो आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे। प्रणाम। सुन रहे हैं जी? सुन लिया और फैसला भी कर लिए, हम ही शादी में नहीं जाएंगे। का नहीं जाइएगा? हर बार का कौन सा नाटक है जी आपका, नहीं जाएंगे? देखिए गुनगुन की मम्मी, इतना प्रचंड गर्मी में हम छपड़ा तो नहीं जाएंगे। जिस तरह से आपके मायके का इंतजाम रहता है ना, उस हिसाब से आम के पेड़ के नीचे सोने तो कहियो हाल में नहीं जाएंगे। बुआ जी बोली है अबरी बार मुंह फुलाने का चांस नहीं मिलेगा, फुल एसी और कूलर रूम प्रोवाइड किया जाएगा। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर क्या तुम इस बार भी होली में घर नहीं आओगी? ओ प्लीज मम्मी, पिछली बार भी आपने ऐसे ही मोस्टली ब्लैकमेल किया था मुझे, और घर का सारा काम मुझसे करवाया था दीपावली में। बेटा दिवाली में तो घर का काम करना ही पड़ता है, साफ सफाई करना ही पड़ता है घर का। प्लीज बेटा आ जाओ ना, ऐसे ही तुम्हारे बिना घर सुना सुना सा है, और होली में नहीं आओगी तो मैं हम लोग का होली बेरंग सा हो जाएगा। नहीं मम्मी मैं नहीं आ रही। प्लीज बेटा आ जाओ ना, तुम्हारी बहुत याद आती है। हैप्पी होली मम्मी। चलो 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 होली खेलते हैं। इतने अच्छे कपड़े पहन के होली खेलेगी? ये ले पोछा और इसे पहन के तैयार हो जा, और ये ले नारियल तेल, इसे चपोत लेना। क्या कर रही है? रख उसे, वो शोपीस है। अरे वो मेहमानों के लिए, उसे मत खा। पढ़ाई कर रही है? या यार गुनगुन, जब देखो बेड पे पड़ी रहती हो, पता ही नहीं चलता है तकिया कौन सा और गुनगुन कौन सा है। तो तुझे क्या, मैं अपने घर पे हूँ, अपने रूम में हूँ और अपने बेड पे हूँ, तो तू अपने काम से काम रखना। क्या अपना अपना कर रही हो, जो कुछ भी है हम दोनों का ही तो है, 50-50। और वैसे भी तुम्हारा शादी हो जाएगा, सब कुछ मेरा ही तो होगा। तू पागल है क्या, तुझे क्या लगता है मैं शादी होकर जाऊंगी तो तुझे इस रूम में एंट्री करने दूंगी? मैं लॉक लगा के जाऊंगी, लेकिन तुझे तो कभी मैं इस रूम में एंट्री करने नहीं दूंगी। और मैं लॉक तोड़ दूंगा। ऐसे ही तोड़ देगा, कुत्ता कहीं का, खाली पीछे ही लगा रहता है। तू कुत्ती, तू सुअर, तू सुअरनी। मुंह देखो ना, थोड़ा सा लिपस्टिक का काजल लगा दो तो लड़की को फेल कर देगा, मौगा कहीं का। खुद का शरीर का ढांचा देखा है,
जिससे लड़का को फेल कर दे लमघोरी कहीं की। देख मुंह संभाल कर बात कर वरना ठीक नहीं होगा। वरना वरना क्या कर लेगी? वरना ये ले, तू ले। मम्मी देख तुझे मैं उतना भी जोर से नहीं मार रहा तू जो मम्मी को बुला रही है। अरे क्या हुआ, किस पे भूचाल आ गया, किसकी मौत आ गई? हाय रे मेरा किस्मत, मतलब कि छोटी छोटी बातों को लेकर तुम लोग कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हो। अरे आसपास पड़ोसी सुनेगा तो क्या सोचेगा बेटा? मम्मी गोटी ने मारा। नहीं मम्मी ने, नहीं, पहले उसी ने मुझे मारा था और मैंने उतना जोर से भी नहीं मारा। जोर से मतलब? मतलब तुमने उस पे हाथ उठाया? नहीं मम्मी ने, नहीं। तू ठहर तुझे मैं बताती हूँ। कहाँ गया? हेलो बेटा, फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करो। क्यों बेटा, क्यों नहीं पढ़ाई करोगी आप? नहीं पढ़ना तो आपको पड़ेगा बेटा। ऐसे कैसे? और बताना मम्मी, हमारे बचपन का मतलब हम दोनों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन था बचपन में? तू ज्यादा शरारती था। तुझे पता है तू क्या करता था? तू ना गुनगुन का आवाज निकाल के उसके दोस्तों से बातें किया करता था। बहुत चिढ़ती थी गुनगुन। है ये बदतमीज, तो करता क्या? वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, उसकी आवाज निकाल सकता हूँ। क्या कर लिया तूने मेरी आवाज निकाल के? क्या उखाड़ लिया गोटी, तू ये बता। क्या ये भाषा है, उखाड़ लिया पुखाड़ लिया? मतलब ये तुम्हारा भाषा है गुनगुन? यार मम्मी। हेलो, कौन है? क्रेडिट कार्ड वाले हैं। मम्मी ये झूठ बोल रही है। एक सेकंड रुकिएगा। मैम क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर के बारे में बात कर रहा था, क्या आपके पास मिल पाएंगे? बेबी मम्मी चली गई है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग जान? सासू माँ को कहीं शक तो नहीं हुआ? ये उखाड़ा तेरी आवाज निकाल के। निकालो मैं तेरे उसके प्राण। घुसे रहो तुम दोनों, मतलब कि कोई मेहमान आता नहीं कि घर में तुम दोनों को मौत आने लगती है। दूसरे के घर के बच्चों को देखो, मेहमान आते ही ऐसे नमस्ते करते हैं और थोड़ा हंस बोल लेते हैं, पर तुम दोनों मेहमान देखा नहीं कि चले आते हो रूम में जैसे मेहमान नहीं कोई भूत देख लिया हो। मम्मी मैं वो जा ही रही थी, चलिए। अब क्या, चले गए है वे लोग? जाते जाते तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे, पता है मुझे कितना खराब लग रहा था। ये देखो ये भीगा टॉवल कौन रखा है बेड पे? मम्मी वो गोटी। गोटिया मतलब कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि भीगा टॉवल बेड पे नहीं रखोगे? तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात? सबका काम लेके पड़े हो। सुनती हो, कहाँ गई? क्या है मेरे कच्चे कहाँ रखी हो? कच्चे में छेद हो गए थे इसलिए मैंने टेलर को दे दिया सिलने के लिए। इतना सा काम के लिए टेलर को क्यों देने गई, खुद ही तो कर सकती थी। हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठकर आपके कच्चे सीऊं, और भी काम है मुझे जितना।